हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है चैनल पे। और हमारी जो ये लेक्चर चल रही है बेसिक टर्म्स के इलेवंथ के, तो आज मैं आपके लिए एक वर्ड लेके आया हूँ जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसके बारे में आप जानते हो लेकिन उसके अंदर के बारे में नहीं जानते आप। अब बोलो सर ये क्या कह रहे हो कि बारे में जानते पर अंदर के बारे में नहीं जानते। करते स्टार्ट। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हम एसिड्स के बारे में। एसिड्स, तो आपको ये तो पता है कि एसिड्स क्या होता है। एसिड्स यानी हमारी प्रॉपर्टी, मतलब वो सारी प्रॉपर्टी जिसको हम मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसकी एक मॉनेटरी वैल्यू होती है, वो एसेट्स होती है। मैंने बताया था मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, एसेट्स है ये सारे। मतलब वो सारी प्रॉपर्टी हमारी जिसको हम एक मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, मॉनेटरी वैल्यू बता सकते हैं, वो हमारा एसेट्स है। ये पेन मेरे लिए एसेट्स है, बेच सकता हूँ इसको। ये मेरे पास ब्लूटूथ है, एसिड्स है। वैसे माइक है, ब्लूटूथ नहीं है, ठीक है। तो वो सारी प्रॉपर्टी मेरी जिसको जिसकी एक फाइनेंशियल वैल्यू है, वो एसिड्स है। पर आपको अगर लिखने को आएगा तो आप ऐसे तो लिखोगे नहीं, आपको पूरे अकाउंट्स के वर्ड्स के टर्म्स आने चाहिए। तो हम उसी थ्योरी की बात आज करने वाले हैं और इसके अंदर कुछ टाइप्स है उसकी भी बात करेंगे। प्रॉपर एसिड्स के अंदर क्या क्या कैसा कैसा होगा सारी बातें आज खत्म करेंगे, पूरा एसिड्स क्लियर करेंगे, ठीक है। तो एसिड्स की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो देखो ये डेफिनेशन दी गई है और ये हमारे कुछ पिक्चर मैंने बता रखे दिखाने के लिए आपको कि एसिड्स क्या क्या है। तो करते हैं, देखो पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर पिक्चर की बात करेंगे। पिक्चर मैंने दिया कि देखो पिक्चर क्या होता है कि आपके दिमाग में कनेक्ट हो जाएगा, अरे यार ये सबने दिखाया था, ये एसिड्स है। मैं तो पूरे साल जिंदगी भर एसिड्स के बारे में पढ़ते रहोगे तो आपको क्लियर हो ही जाएगा, बट फिर भी। तो देखो क्या लिखा है, एसिड्स आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन एंटरप्राइजेस व्हिच कैन बी एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ मनी। मतलब क्या है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज है किसी ऑर्गेनाइजेशन के जिसको आप मनी के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, वो क्या आपके एसेट्स है। बात वही है, लिखने का पैटर्न आपको समझ आ गया हो, क्लियर है बात। तो एसेट्स क्या, वो हमारी प्रॉपर्टीज जिसको हम मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, दैट इज एसेट्स। फॉर एग्जांपल दिया देखो, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, कैश, बैंक, डेट, ये सब कुछ आपको दे रखा है। सर ये तो जाना जाना लग रहा है, जाना जाना ये देखो, मैंने को एग्जांपल भी देखिए। एसेट्स क्या है, मॉनेटरी होते हैं एसेट्स जिनकी एक फाइनेंशियल वैल्यू होती है। कुछ दिया जैसे मशीनरी है, इन्वेंटरी, जानते हो ना इन्वेंटरी यानी स्टॉक है आपका, बैंक में आपने पैसा जमा किया, कहीं आपने इन्वेस्टमेंट किया, आपकी कोई गाड़ी है, आपका कोई बिल्डिंग है, आपका कोई फर्नीचर है, कैश है, रिसीवेबल मतलब उधार बेचा है, यानी आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको बताऊंगा डेटर के बारे में, उधार बेचा बाद में पैसा लेना है, डेटर है। तो ये सब चीजें आपकी क्या है, तो ये सब आपके एसेट्स हैं। अब आपके वर्ड क्लियर हो गया होगा एकदम दिमाग में कि हाँ सर एसेट्स तो ये होते हैं। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं एसेट्स के बारे में, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं एसेट्स में। तो अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ एसेट्स की। टाइप्स ऑफ एसेट्स की अगर मैं बात करूं, पहले मैं आपको बता दूं, अगर हम एसेट्स की बात करें तो एसेट्स तीन टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज नॉन करेंट एसेट्स, अभी हम सब जानेंगे क्या करके, आराम से पेंसिल लगाओ। फर्स्ट वन इज नॉन करेंट एसेट्स, सेकंड वन इज करेंट एसेट्स, बेसिकली ये दो ही है। बट एक और होता है फिक्टिटी एसेट्स, वो कोई एसेट्स होता है, वो एक तरह का लॉस होता है, वैसे लॉस जिसको आपने एक अकाउंटिंग में राइट ऑफ नहीं किया होता है। अभी क्या करके डीप में जानेंगे, पहले मैं आपको एक थोड़ा सा पिक्चर दिखा दूं कि थोड़ा आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पे मैंने फिक्टिटियस की बात नहीं की है, बाकी दोनों एसेट्स की बात की है, बट फिक्टिटियस एसेट्स भी होता है, हम ग्रो ऑन थ्रू द आगे डिस्कशन करेंगे, आपको पता होना चाहिए। हाँ एसेट्स भी है, तीन टाइप्स है। फिलहाल हम ये दो मोटा मोटा जो बेसिक टाइप्स उनकी बात कर लेते हैं। तो एसेट्स क्या, तो अक्वायर्ड परचेज एंड ऑन हैविंग वैल्यू ऑफ अवेलेबल टू मीट डेब्ट कमिटमेंट एंड लेगेसीज, वो अपनी प्रॉपर्टी है सारी, एक तरह से बेसिक शॉर्ट वर्ड में आ रखो। एसेट्स के दो टाइप्स हमने पढ़े, नॉन करंट एसेट्स जिसको हम फिक्स एसेट्स भी कहते हैं, नॉन करंट एसेट्स या फिक्स एसेट्स, और दूसरा होता है आपका करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स का मतलब है कि वैसे एसेट्स जो आपके बेनिफिट एक साल से ज्यादा देते हैं, मोर देन, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट, मैंने कुछ एग्जांपल दिए, लैंड, मशीनरी, बिल्डिंग, ये सब ऐसी प्रॉपर्टी ना जो एक साल में कैश में कन्वर्ट नहीं होती, एक साल से ज्यादा के लिए होते, तो नॉन करंट एसेट्स। और करंट जो शॉर्ट टर्म, जैसे कैश, बैंक, इन्वेस्टमेंट किया शॉर्ट टर्म के लिए, इन्वेंट्रीज, लॉन्ग टर्म भी इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। तो मतलब वो एसेट जो मोर देन वन ईयर होते हैं नॉन करंट, करंट। अब मैं इनकी भी डेफिनेशन दिखाऊंगा आपको आगे, इतना मोटा मोटा क्लियर हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, चलिए आगे देखते हैं। अब हम एक एक करके जानते हैं सब एसेट्स के बारे में। तो फर्स्ट वन जो मैं यहां पे जिक्र कर रहा हूं, वो बात कर रहा हूं मैं किसकी, तो सर मैं बात कर रहा हूं करंट एसेट्स की। करंट एसेट्स क्या बताया था ना अभी, कि करंट एसेट्स वो होते हैं जो विद इन वन ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब वैसे एसेट्स, वैसे एसेट्स मतलब प्रॉपर्टी आपकी जो एक साल में कैश में कन्वर्ट, जैसे आपका कैश का बैलेंस है,
बैंक बैलेंस है, आपने किसी उधार बेचा है, डेट है, तो अगर किसको आप उधार बेचोगे कितने दिन के लिए उधार दोगे? 5 साल? कभी नहीं होता, 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन, 1 साल के अंदर अंदर तो पैसा मिल जाएगा, तो डेटर हो गया। स्टॉक जिस चीज का आपका बिजनेस है, खरीद के लाओगे कितने दिन में बेच दोगे? 10 दिन 20 दिन 50 दिन, ऐसा नहीं कि 1 साल बाद, आज समझता 1 साल बाद बेचोगे। तो सब करंट एसेट्स होते हैं, मैंने कुछ एग्जांपल भी दिया और उसकी डेफिनेशन भी दी है। डेफिनेशन की बात करते हैं तो करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच आर हेल्ड बाय द बिजनेस विद द पर्पस ऑफ कन्वर्टिंग देम इनटू कैश विद इन 1 ईयर। मतलब वो एसेट्स जिनका पर्पस कंपनी का होता है कि 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो सारे आपके होते हैं करंट एसेट्स। क्लियर है बात? लिखने का पैटर्न ये था, बोलने का लिए याद रखने के लिए पैटर्न आपको बता दें, लिखने का पैटर्न भी आपको बताना चाहिए, पूछा जा सकता है डेफिनेशन बताओ तो आपको पता होना चाहिए, मीनिंग पता है, आप एक्सप्लेन कर सकते हो, पर लिखना होगा। तो लिखने का पैटर्न के लिए भी मैंने इनको चीजों को लिख के भी दिखाया यहाँ पे, सिर्फ यही नहीं कि मैंने आपको बोल दिया आपको याद हो जाए, लिख के दिखाया आराम से, बकायदा स्क्रीनशॉट लो, नोट बनाओ अपने, मेहनत करोगे जितना, प्रोडक्टिविटी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो करंट एसेट्स में देखो, फॉर एग्जांपल भी दिया मैंने कुछ, देखो सेल ऑफ गुड्स डिक्रीज इन स्टॉक एंड इंक्रीज इन द कैश बैलेंस इन दिस वे गुड्स आर कन्वर्टेड इनटू कैश। मतलब बताया गया है, मैंने ये लिखने की कोशिश की, देखो अगर हम गुड्स बेच रहे हैं तो गुड्स जैसे ही बेचा आपने, गुड्स क्या है? एक करंट एसेट। क्यों है? 1 साल के अंदर बेच देते हो और कैश में कन्वर्ट हो जाता है। अब मैंने कुछ और एग्जांपल दिए करंट एसेट्स के, जैसे कैश, बैंक, बिल्स रिसीवेबल, डेटर, प्रीपेड एक्सपेंस, ये सारी चीजों के बारे में आप जानते होंगे। ये जब मैंने पहला लेक्चर बताया था मैंने इन सब चीजों के बारे में बताया था, कोई अगर आपको डाउट लगा था उस पहले लेक्चर जाके देख सकते हो, इसके बारे में पूरा एक प्लेलिस्ट मेरा है ये जो बेसिक टर्म्स का है, तो कोई वर्ड अगर लगता है तो आप वहां से देख लो, उसके बाद भी अगर आपको समझ नहीं आता मुझसे पूछ सकते हो, मैंने नाम लिखूँ यहाँ पर, मैं फिर उन वर्ड को एक्सप्लेन करूँगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले लेक्चर्स में, तो आप वहां जाके देख लो, अगर कोई वर्ड जैसे लगता है कि हाँ सर मैं तो पहली वीडियो में आऊँ, या बोल लो डेटर होता है क्या, डेटर मुझे तो पता ही नहीं है, तो यू कैन गो थ्रू दिस, आप वहां जाओ देखो डेटर के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जिससे कि ये वाली वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो, क्योंकि मैं अगर वो कि वर्ड्स तो बार बार घूमेंगे फिरेंगे, अब मैं बार बार उन्हीं वर्डों को एक्सप्लेन करूंगा तो फिर वीडियो और लेंथी हो जाएगी। तो बढ़िया है कि अगर कोई वर्ड्स जैसे बेसिक वर्ड्स आते हैं तो इसके लिए पहला ही लेक्चर था बेसिक वर्ड्स का, तो आप वहां जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा लिंक, नहीं मिलता प्लेलिस्ट में ढूंढ लेना, सबसे पहला लेक्चर वही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो ये आपका क्लियर हो गया होगा करंट एसेट्स क्या है। तो शॉर्ट वर्ड करंट एसेट वो सारे एसेट जो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। कुछ एग्जांपल दिए, पूछा जाता है एग्जांपल, पूछ देगा वाला 2 करंट एसेट्स के नाम बताओ, तो आपको पता हो जी कैश, बैंक, डेटर, बीआर, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम, कोई भी 2 नाम लिख देना। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अब बात की जाती है नॉन करंट एसेट्स की। नॉन करंट एसेट्स का मतलब होता है, अभी मैंने बताया था, वैसे एसेट्स जो कि हमारा पर्पस ऐसे नहीं होता कि 1 साल में बेच दे, वो मतलब जो 1 साल के बाद, 2 साल 5 साल 10 साल, मतलब मोर देन 1 ईयर के लिए होते हैं, जो कैश में कन्वर्ट नहीं होते 1 साल में, वो नॉन करेंट एसेट्स होते हैं। तो वो दिखा गया, नॉन करेंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर लॉन्ग टर्म यूज। लॉन्ग टर्म यूज इन द बिजनेस आर नॉट मीन्स फॉर द रीसेल, उनका पर्पस रीसेल नहीं होता, वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, 2 साल 5 साल, मतलब 1 साल से ज्यादा हो तो नॉन करेंट एसेट्स है। ठीक है, तो एग्जाम्पल दिया है, देखो आप मशीनरी भी लिख सकते हो, मशीनरी एग्जाम्पल, बिल्डिंग लॉन्ग टर्म है ना, फर्नीचर, ये सब आपके क्या है, नॉन करेंट एसेट्स है। बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट दे रखा, तो ये सब आपके क्या है, नॉन करेंट एसेट्स है, इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट। अब आते हैं नॉन करंट एसेट्स को टेंजिबल इनटेंजिबल क्या होता है, तो याद देखो नॉन करंट एसेट्स को हम फिक्स एसेट्स भी कहते हैं, नॉन करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स। अब ये 2 तरह के होते हैं, एक होता है आपका टेंजिबल, दूसरा होता है इनटेंजिबल। टेंजिबल का मतलब क्या, टेंजिबल जिसको टच किया जा सके, तो वैसे एसेट जिसको आप छू सकते हो, देख सकते हो, टच कर सकते हो, वो टेंजिबल है। जो दिखाई नहीं देते, जिसको आप टच नहीं कर सकते, वो इनटेंजिबल है। एग्जाम्पल फॉर मशीनरी, दिख रहा है छू सकता हूं, बिल्डिंग दिख रहा है छू सकता हूं, टेंजिबल। गुडविल किसी का नाम एसेट्स होता है, पढ़ा था हमने किसका नाम है तो एसेट्स, लेकिन दिखता है क्या, नहीं, तो इनटेंजिबल। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बिकता है पैसों में, मॉनेटरी वैल्यू होती है, पर आप कभी देखते हो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को, इनटेंजिबल एसेट्स। पेटेंट, कॉपीराइट, ये सब आपके क्या है, इनटेंजिबल एसेट्स है। तो मैंने लिखा है टेंजिबल, टेंजिबल एसेट्स रेफर टू दोज एसेट्स व्हिच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, दे कैन बी सीन एंड टच, जो कि हम चीज छू सकते हैं और देख सकते हैं। एग्जाम्पल फॉर प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, ऐसे आपको लिखना है, लिखने को आया तो एग्जाम्पल पूछो तो नाम बता देना। इंटेंजिबल, तो इंटेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच डू नॉट हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, दे कैन नॉट बी सीन और टच, जिसको छू और देख नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल दिया, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क,
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ETC, ठीक है। तो ये आपका हो गया आपका टेंजिबल इनटेंजिबल एसेट्स, स्क्रीनशॉट ले लो, ये सब आपको याद करना है। धीरे धीरे आप चीजों को और अच्छे से रिलेट करते जाओगे। और आखिरी आपका ये फिक्टिटियस एसेट, जिसके साथ आपका एसेट्स खत्म हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया था, फिक्टिटियस एसेट को एसेट्स नहीं होता है, मतलब लिखोगे फिक्टिटियस एसेट्स आर नॉट टेंजिबल एसेट्स नॉर इनटेंजिबल एसेट्स, दे आर लॉसेस व्हिच इज नॉट रिटन ऑफ एन अकाउंटिंग। मतलब ये एक तरह का क्या होता है, लॉस होता है जिसको आपने रिटर्न ऑफ नहीं किया होता। रिटर्न ऑफ का मतलब होता है खर्चों को पीएनएल अकाउंट में भेज के राइट ऑफ कर दिया। पीएनएल अकाउंट क्या होता है आप जानोगे आगे इसके बारे में। तो यहाँ पे क्या है कि वो एसेट जिसको आपने एक साल में राइट ऑफ नहीं किया वो इंटेंजिबल एसेट, जो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दी गई है। फिक्टिटियस एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच नाइदर हैव एनी रियल वैल्यू, ना तो उसकी कोई वैल्यू होती है, नॉर हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस, ना ही कोई फिजिकल फॉर्म होता है, बट दे आर कॉल्ड एसेट्स बेसिस ऑफ द लीगल ग्राउंड। लीगल ग्राउंड जो प्रॉपर्टीज बनाई है लीगल्स, उसके बेस पे उसको हम एसेट्स कंसिडर करते हैं। बट ये एक तरह का होता क्या है, लॉस होता है। जैसे एग्जाम्पल सपोज करो आपने बिजनेस स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में आपने क्या करा, एडवर्टाइजमेंट पे बहुत सारा खर्चा किया और आपको लगता है इसका बेनिफिट आने वाले 5 सालों तक मिलेगा। मान लो 5 लाख का खर्चा किया और आपको लगता है 5 साल तक बेनिफिट मिलेगा, तो आपने क्या किया, उस 5 साल तक जो बेनिफिट मिलने वाला था, हर साल 1-1 लाख का खर्चा हुआ। तो जब पहली साल हम अकाउंटिंग करेंगे, जो हम आगे बनेंगे पीएनएल ट्रेडिंग बनाते आगे आगे आएगा, इस बारे में समझ लो बस थोड़ा सा। तो पहली साल में मैं 1 लाख का खर्चा दिखाऊंगा प्रॉफिट लॉस में, बाकी 4 लाख को हम बैलेंस शीट के एसेट्स में दिखाते हैं। बट क्या बोला, एसेट्स है वो लॉस है जिसको आपने राइट ऑफ नहीं किया साल में, क्योंकि आपको लगता है इसका बेनिफिट आने वाले सालों में मिलने वाला है, तो इसको हम अगले साल में राइट ऑफ करेंगे। तो वो जो एसेट सामने बैलेंस शीट में दिखाया वो क्या है, फिक्टिटियस एसेट्स। मतलब ये एक तरह का लॉस जिसको आपने राइट ऑफ नहीं किया है। तो एग्जाम्पल फॉर एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, अंडरराइटिंग कमीशन, प्रीमियम एक्सपेंस, ये सब कुछ ऐसे लॉसेज होते हैं जिसको हम एक साल में राइट ऑफ नहीं करते, तो उसको हम बैलेंस शीट के एसेट्स में दिखाते हैं। बट ये एसेट्स एक तरह का लॉस है, तो इसको हम बोलते हैं फिक्टिटियस एसेट्स। तो देखो मोटा मोटा इतना ही एसेट्स में। शॉर्ट में अगर रिवाइज कीजिए तो मैंने डीप बताया कि आप लिख सको, उसके लिए स्क्रीनशॉट ले लो, उसका भी नोट्स बना लेना आप उसके। शॉर्ट में बात की तो एसेट्स 3 टाइप है, नॉन करेंट एसेट्स, करंट एसेट्स और फिक्टिटियस एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स मतलब वैसे जो मोर देन 1 ईयर के लिए होता है, तो नॉन करेंट के एसेट्स के अंदर फिक्स एसेट्स में टेंजिबल इंटेंजिबल, टेंजिबल जो दिखाई देता है, इंटेंजिबल जो दिखाई नहीं देता, दिखने वाले मशीनरी बिल्डिंग फर्नीचर, नहीं दिखने वाले गुडविल पेटेंट कॉपीराइट। फिर करंट एसेट जो विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कैश, बैंक, डेटर, वीआर, प्रीपेड एक्सपेंस। उसके बाद तीसरा होता है फिक्टिटियस एसेट्स, मतलब वो एक तरह का लॉसेस जिसको आपने अकाउंटिंग ईयर में राइट ऑफ नहीं किया होता है। ये है शॉर्ट में 30 सेकंड के अंदर पूरी बात। लेकिन आपको डीप पढ़ना है, कॉन्सेप्ट जानना है, चीजें लिखनी है, तो नोट्स बना के प्रॉपर वे में करना है, ठीक है। आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।